अगर आप बार बार ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से पहले अगर आप रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट बुक करते होंगे या पार्सल जैसे किसी काम के लिए काउंटर पर जाते होंगे, तो आज से पहले आपने हमेशा ऑफलाइन भुगतान किया होगा, यानी आपने पेमेंट कैश के जरिए की होगी, पर अब ऐसा और नहीं होगा। अब रेलवे के काउंटरों पर ऑनलाइन पेमेंट की जा सकेगी। रेलवे ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इससे यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और आसान बनाया जा सकता है। अब आप रेलवे से संबंधित कई सेवाओं का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम, गुड्स और अन्य सभी सेवाएं शामिल हैं। रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटरों पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी शुरू की है। पहले ये सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर उपलब्ध थी, लेकिन अब आप सीधे टिकट खिड़की पर जाकर भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ये बदलाव खासकर उन यात्रियों के लिए राहत लाएगा जो आमतौर पर लंबी कतारों में खड़े होकर टिकट खरीदने के लिए समय बर्बाद करते थे। UPI के माध्यम से भुगतान करने से यात्रियों को खुले पैसे की चिंता नहीं होगी। डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे बुकिंग खिड़कियों पर डायनामिक QR कोड का इस्तेमाल करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस सिस्टम को सबसे पहले लागू किया है। अब तक 437 स्थानों पर ये QR कोड लगाए जा चुके हैं और जयपुर मंडल में 99 स्थानों पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। इस QR कोड के माध्यम से लोग टिकट काउंटर पर खड़े होकर भी आसानी से अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा UTS ऑन मोबाइल ऐप में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब जनरल टिकट बुक करना आसान हो गया है। पहले सीमा 20 किलोमीटर की थी, जिसका मतलब था कि आपको टिकट बुक करते समय उस दूरी के अंदर रहना पड़ता था, लेकिन अब आप कहीं से भी जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इन नई सुविधाओं के माध्यम से रेलवे ने न केवल यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि वो एक आसान और सेफ ट्रेवल कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान के साथ रेलवे आने वाले समय में और भी विकास और सुधार कर सकता है।